Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the looks in the band. Legacies. Hello guys, welcome back to Food Jam Gorakhpur. So, पिछले वीडियो को काफ़ी आप लोगों ने सपोर्ट किया और कई लोगों ने बताया कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं गई थी वीडियो की, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। सो आज आपको मेरा सेटअप कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा क्योंकि आज हमें ज्वाइन करने वाला है एक स्पेशल बॉक्स और वो एक सरप्राइज़ होने वाला है और ये वीडियो पिछली वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है और तो वो सरप्राइज़ क्या है चलिए उसे लेने चलते हैं। तो फाइनली सरप्राइज हो चुका है रिवील और हमारे पास ज्वाइन कर लिया हमें बारबेक्यू नेशन का स्पेशल बॉक्स। सो रिसेंटली मुझे बारबेक्यू नेशन टीम से पता चला कि बारबेक्यू नेशन ने स्पेशली बॉक्स लॉन्च किए हैं जो बारबेक्यू नेशन को मिस करते हैं, जो बारबेक्यू नेशन लवर हैं जैसे कि मैं और मेरे फ्रेंड्स, तो उनके लिए एक स्पेशल बॉक्स बनाया गया है जिसमें वेज और नॉन वेज के दो ऑप्शन हैं। वेज है जो 649 और नॉन वेज है 699। आई थिंक आई एम श्योर हूँ जिसको आप स्विगी और जोमेटो के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हो और अगर आप टेक अवे लेना चाहते हो तो आप बारबेक्यू नेशन के स्टॉप पे जाके भी ले सकते हो। सो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं और बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, ये है बारबेक्यू नेशन का वेज बॉक्स और इसको घर पे ला के भी मैंने सैनिटाइज कर लिया और मैंने वहाँ देखा भी था कि वो लोग प्रॉपर हाइजीन के साथ इसको पैक किए थे। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके ऊपर सेफ्टी की सील लगी हुई थी, मैंने खोल दी और उसके बाद ये इसके बाद एक और टैग लगा रहता है फॉर अनदर सेफ्टी। इसको भी खोल लेते हैं। यस, ये भी खुल गई और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। ऊपर से देखिए गाइस, ये डेजर्ट, जस्ट लुक एट इट, यम। सब कुछ दिखाएंगे, एक एक साथ दिखाएंगे। ये सब डेजर्ट, ये हमारी मिंट चटनी, ये काजून पोटैटो सॉस, ये हमारे फेवरेट अंगूरी गुलाब जामुन, इसके नीचे एक और, ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट इट, सारा कुछ दिखाएंगे आपको। वाओ वाओ, क्या स्मेल है, रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को। अपना सारा खाना जस्ट फॉर 649।
काफ़ी अच्छा है। अगर आप ये खाना बाहर से मंगा के खाओ तो भी आई थिंक 649 में इतना कुछ नहीं आने वाला है, एक बारबेक्यू नेशन जैसी क्वालिटी। ये हमारी बिरयानी और ये स्पून्स। सो फ्रेंड्स, अब आपने अनबॉक्सिंग देख ली है और यहाँ पे काफ़ी कुछ है मेरे सामने। और मेरे सामने सबसे पहले मुझे दिख रहा है बारबेक्यू नेशन से ब्रेड है, आई थिंक इसमें लच्छा पराठा है और इसमें और भी ऑप्शन है, आप इसमें नान भी ले सकते हो, तंदूरी रोटी भी ले सकते हो। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें चार तरह के मुझे ग्रेवी के बाउल दिख रहे हैं, ये आई थिंक बिरयानी है, तीन ये डेजर्ट दिख रहे हैं, दो सॉस दिख रही है और ये चार बॉक्स स्टार्टर से भरे हुए हैं, तो रुकना खुद को काफ़ी बहुत मुश्किल है। तो अब चलिए एक एक करके खोलते हैं और एक साथ स्टार्टर्स को पहले टेस्ट करते हैं कि स्टार्टर में क्या है और कैसा है। तो सबसे पहले बॉक्स में, ओ गॉड सो टेस्टी। सो ये है हमारी लाहौरी पनीर टिक्का और साथ में है हमारे तंदूरी मशरूम, जिसका फ़ोटो आप देख सकते हैं अपने बगल में। और साथ ही साथ हमारे नेक्स्ट बॉक्स में है, ओहो, बारबेक्यू नेशन का स्पेशल कैजून पोटैटो और उसके साथ है इनका ग्रिल्ड कॉर्न पोटैटोज। और इसके साथ तीसरे बॉक्स में हमारे इनके बेस्ट जो है पाइनएप्पल, ग्रिल्ड स्वीट एंड चिली पाइनएप्पल, वो है। इसके साथ सैलेड भी दिया हुआ है और इसके साथ है इनका ग्रिल्ड कॉर्न और पीनट रोल। तो चलिए अभी इन सबको साथ एक साथ टेस्ट करते हैं और बताते हैं। सो मैंने अपने सारे स्टार्टर्स को एक प्यारे से बाउल में सजा लिया है और इसमें मैंने सारे कुछ रख लिए हैं। इसमें मैंने अपने पनीर टिक्का, तंदूरी मशरूम, क्रिस्पी कॉर्न, पीनट रोल, स्वीट पाइनएप्पल, आपका फिर ग्रिल पोटैटो विथ कॉर्न और आपका ये तो इनका फेमस कैजून पोटैटो, सब कुछ रख लिया है और साथ में कैजून सॉस भी रख लिए। तो एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं। एज ऑलवेज बारबेक्यू नेशन का पनीर बहुत सॉफ्ट होता है और वैसा ही है, बिल्कुल कट सा गया और ज़रा सा भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ा और मुंह में घुल गया। तो इनसे एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि ये बेस्ट फूड प्रोवाइड करेंगे और वही उन्होंने प्रोवाइड किया। और मशरूम तो इनकी खासियत है ही, बहुत टेस्टी है नो डाउट। और वीडियो शूट करते करते मेरे क्रिस्पी कॉर्न थोड़े से क्रिस्पी कम हो गए हैं लेकिन अभी भी बहुत क्रिस्पी हैं लग रहे हैं। वाह यार, वही टेस्ट है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जल्दी से ये लॉकडाउन हटे, कोरोना जाए, फिर से हम बारबेक्यू नेशन में जाकर वो अनलिमिटेड फूड फिर से एंजॉय कर सकें। सो जब तक ऐसे पैंडेमिक चल रहा है तब तक आप ये बॉक्स मंगा के ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा एक्सपीरियंस तो अभी तक का बहुत अच्छा है, आगे देखते हैं। अब ट्राई करते हैं इनके पीनट रोल, काफ़ी स्पाइसेस से भरे हुए हैं, अच्छे हैं बट शायद मेरे टेस्ट के अनुसार नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन काफ़ी स्पाइसी और टेस्टी है। अब इनका ग्रिल्ड कॉर्न, सॉरी ग्रिल्ड पाइनएप्पल, स्वीट चिली ग्रिल्ड पाइनएप्पल, एज ऑलवेज दे आर बेस्ट। इतने टेस्टी हमने चाट जा रहा हूँ। अब बारी है इसके कैजून पोटैटो की, ये हमारे कैजून सॉस, इसको हम अपने कैजून पोटैटो पे डालेंगे। अब इसके बाद इस कैजून पोटैटो को उठाया, ओह माय गॉड सो सॉफ्ट है और डेलिकेट है, टूट रहा है, काफ़ी टेस्टी है गाइस कैजून पोटैटो इनका और बहुत अच्छा लगा। और इनकी सॉस तो यूनिक है ही है। और अब इनकी लास्ट स्टार्टर जो है इनका ग्रिल्ड कॉर्न पोटैटो, वो ट्राई करते हैं। आई थिंक ये भी आप देख सकते हो काफ़ी स्टफ्ड है, काफ़ी टेस्टी है ये भी। सो इन ऑल मैं इसको एक काफ़ी अच्छा स्टार्टर रेट कर सकता हूँ। और अगर देखा जाए तो बारबेक्यू नेशन अगर आप मिस कर रहे हो तो आप ज़रूर एक बार ये बॉक्स ज़रूर मंगाओ, तो आपको
वो फील फिर से, वो यादें फिर से ताज़ा हो जाएंगी। और ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए अब शिफ्ट करते हैं हमारे मेन कोर्स पे और बताते हैं मेन कोर्स में क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया मेन कोर्स का। और मेन कोर्स स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि स्टार्टर में मेरे क्रिस्पी कॉर्न और मेरे लाहौरी पनीर और तंदूरी मशरूम मेरे काफ़ी फेवरेट हैं और तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो ज़रूर आप इस बॉक्स को मंगा के ये ज़रूर टेस्ट करना, डैम श्योर आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं मेन कोर्स की तरफ और मेन कोर्स में बॉक्सेस ओपन करते हैं। सो इस बॉक्स में है हमारा मिक्स वेज, इस बॉक्स में है हमारा क्या है, ओके कढ़ाई पनीर, इस बॉक्स में है हमारा हम सबका प्यारा दाल मखनी, और इस बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है रायता। सो इसके अंदर है वेजिटेबल रायता, सो आई थिंक वेजिटेबल ही है। सो चलिए टेस्ट करते हैं इसको। टेस्ट करेंगे हम तंदूरी रोटी के साथ। सॉरी मैंने पहले अगर लच्छा पराठा बोला हो तो तंदूरी रोटी भेजी है उन्होंने, वो काफ़ी सही है, देख सकते हो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट है, बटर पूरा लगा हुआ है। इसको खाते हैं हम पहले हमारी दाल मखनी के साथ, काफ़ी थिक दाल मखनी है, जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दाल मखनी की। अगर दाल मखनी में मक्खन ना हुआ तो क्या हुआ, और इसमें मक्खन भरपूर मात्रा में पड़े हुए हैं, और वो दाल मखनी की जो घुटाई हुई है बहुत अच्छे से हुई है, इसके जो काले दाल हैं वो बहुत अच्छे से गल गए हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है। चलिए अब नेक्स्ट डिश पे चलते हैं। सो गाइज, अब ट्राई करते हैं कढ़ाई पनीर के साथ। सो थोड़ा सा कढ़ाई पनीर लेते हैं, ग्रेवी काफ़ी अच्छी लग रही है। बहुत टेस्टी बना है गाइज, बहुत टेस्टी कढ़ाई पनीर है। आई थिंक अगर ये कढ़ाई पनीर, सिर्फ यही कढ़ाई पनीर अगर मार्केट में आप लेने जाओगे तो मिनिमम 400 का मिलेगा आपको ये बाउल, और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी खासी है और टेस्ट तो लाजवाब है इसका। अगर मेन कोर्स में कोई मेरा फेवरेट अगर वेजिटेबल है वेज में तो ये कढ़ाई पनीर होने वाली है, बहुत अच्छी है, ज़रूर ट्राई करना इसको। चलिए अब नेक्स्ट डिश ट्राई करते हैं अपने मिक्स वेजिटेबल के साथ। इसमें पनीर, गोभी, गाजर, बहुत सारे वेजीज हैं, आलू। इसमें वेजिटेबल का वो क्रंच आ रहा है और डिशेस काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर की गई हैं, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है तीनों का। लेकिन अगर मेन कोर्स में मेरी कोई सबसे फेवरेट है वो है कढ़ाई पनीर, फिर दाल मखनी, और मिक्स वेजिटेबल तो सबको प्यारी होती है। अब ट्राई करते हैं अपना रायता। ये थोड़ा चटपटा और स्पाइसी सा रायता है, काफ़ी अच्छा है, गले को बहुत सूदिंग लग रहा है। सो अब टाइम है वेज बिरयानी ट्राई करने का। वेज बिरयानी ट्राई करते हैं। ये हमारी वेज बिरयानी, वाव, फ्राइड अनियन ऊपर से हैं, गार्निश किए गए हैं, थोड़ा सा लेंगे, काफ़ी है। और इस वेज बिरयानी को हम लोग खाएंगे रायते के साथ, जो कि स्पाइसी रायता, वेजिटेबल इधर है। वैसे आप तो इसे वैसे भी खा सकते हो, लेकिन बिरयानी के साथ रायता बहुत अच्छा जाता है। वैसे वेज बिरयानी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, वेज पुलाव होता है, लेकिन अगर कहा जाए कि ये पुलाव बहुत टेस्टी है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है। वैसे वेज बिरयानी अगर समझा जाए तो ये काफ़ी अच्छे से कुक किया गया है, पनीर इसमें है, गाजर मुझे दिख रहे हैं, बीन्स हैं, और काफ़ी टेस्टी है और काफ़ी फ्लेवरफुल है। चलिए अब वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जो कि हमारा डेजर्ट सेक्शन।
और इस वीडियो को एक स्वीट नोट के साथ ख़त्म करते हैं। सो फाइनली अब टाइम आ गया है डेजर्ट ट्राई करने का, और डेजर्ट में हमारे पास है अंगूरी गुलाब जामुन, केसर बादाम फिरनी और उसके साथ मूंग दाल का हलवा, जिसको मैंने छोटे छोटे पोर्शंस में ले लिया है। और चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। और पहले ही बता दूँ, मेरी फेवरेट अंगूरी गुलाब जामुन है, मैंने इसे काफ़ी खा रखा है और मैं बारबेक्यू नेशन इसके लिए जाता रहता हूँ। सो ट्राई करते हैं। नो डाउट ये वही टेस्ट है और इसने मेरे सारे यादों को ताज़ा कर दिया है। प्लीज़ यार, ये लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो और बारबेक्यू नेशन आप प्लीज़ स्टार्ट करो, और जल्दी से यूपी गवर्नमेंट ये गाइडलाइन जारी कर दे कि सारे रेस्टोरेंट अब फिर से पूरे प्रिकॉशन के साथ स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए अब ट्राई करते हैं केसर फिरनी। ये भी अच्छी है, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसी केसर फिरनी काफ़ी अच्छी नहीं लगती है और मैं कम खाता हूँ, लेकिन गुनगुरी गुलाब जामुन मेरे फेवरेट हैं। और चलिए अब नेक्स्ट डिश ट्राई करते हैं, जो कि है मूंग दाल का हलवा। इसको खाने के बाद सिर्फ आपको एक चीज़ का एहसास और याद आएगी, वो है प्योर देसी घी। इसको प्योर देसी घी में काफ़ी देर भुना गया है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर इससे निकल के आ रहा है, और इन तीनों डेजर्ट ने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट किया मेरे ऊपर। और मेरे फेवरेट अंगूरी गुलाब जामुन और ये मूंग दाल का हलवा है। मुझे शायद मेरे प्रेफरेंस में मुझे ये नहीं पसंद आया, शायद आपको बहुत पसंद आए। सो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना ये, और ये बॉक्स ऑर्डर भी ज़रूर करना। और थैंक यू बारबेक्यू नेशन टीम, जिन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया कि ये बॉक्स चल रहा है, शायद मैं इसके बारे में नहीं जान पाता। और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप सबको इस बारे में नॉलेज हो कि बारबेक्यू नेशन भले अभी ना खुला हो, लेकिन वो बॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आप सेम एक्सपीरियंस घर बैठ के ले सकते हो। तो प्लीज़ जाओ जोमैटो, स्विगी, और अगर आपको टेक अवे लेना है तो उनके आउटलेट पर जाकर भी आप टेक अवे ले सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हो कि मैं नॉनवेज बारबेक्यू नेशन बॉक्स को भी डिस्कवर करूं और अनबॉक्सिंग उसकी करूं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं नॉनवेज की भी जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगा। सो सी यू सून, बाय।